हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रिया महतो शुरू करने जा रही हूँ आज की बायोलॉजी क्लास। और आज की बायोलॉजी जो क्लास है वो है क्लास 8 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसकी नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये तो हमारी इंट्रोडक्शन जो पार्ट हुई थी उससे आपको सेल की एक जो इमेज है और सेल की जो कॉन्सेप्ट है ये तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब हमने बात की थी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और सेल की साइज एंड शेप, इन्हीं सभी बातों को हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इन डिटेल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, इन डिटेल उसे हम कौन सी पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं और एंड उस पार्ट की फंक्शन क्या है वो हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे फोकस करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके ओके। तो अभी मेम्ब्रेन वर्ड से आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो एक मतलब जो लेयर है जिसकी नाम सेल मेम्ब्रेन है वो एक कवरिंग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है सेल मेम्ब्रेन पे। पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले एक सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो हम जो सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं रफली वो है एक एनिमल सेल। अब एनिमल सेल प्लांट सेल क्या अलग है? हाँ, वो अलग है थोड़ी सी, और उसे हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है एक एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, अब इसकी जो पार्ट है वो क्या है? यहाँ पे जो थिकर पोर्शन होता है, यानी कि पूरी जो पार्ट, पूरी पार्ट के अंदर एक थिकर पोर्शन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, इस वाली ये एक पोर्शन होता है, लिक्विड सा एक पोर्शन होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म और जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर यानी कि ये जो आउटलाइन है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये एक एनिमल सेल ना मान के आप एक यू ही एक सेल मान लीजिए सेल, और ये डेंस यानी कि बहुत डेंस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के बारे में भी हम जानेंगे डिटेल पे, पर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की। अब आज हम किस पे फोकस कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं ये जो आउटर लेयर होते हैं ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनक्लोज्ड कर रखा है। किसको एनक्लोज्ड? यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एनक्लोज्ड यानी क्लोज करके रखा हुआ है। मान लीजिए अगर ये ना होता तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो कोई सॉलिड चीज नहीं है, तो ये फैल जाता। ठीक है, यानी कि कोई शेप नहीं होता सेल का, इसीलिए शेप देने के लिए। अब इसके फंक्शन में तो हम कहेंगे ही कि क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन की, तो इसे क्लोज रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत ही हेल्प करता है, यानी कि ये एनक्लोज कर रखता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। ओके ओके, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स
from one another and also the cell from the surrounding medium. यानी कि ये मान लीजिए जो सेल है, हम लोगों ने क्या सीखा था कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन और ऑर्गेन से सिस्टम. तो सेल तो अकेला नहीं होता है, बहुत सारे सेल रहता है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये बहुत सारी जो सेल है उसे एक दूसरे से अलग रखता है सेल मेम्ब्रेन. अगर मेम्ब्रेन ना होता तो, अगर मेम्ब्रेन ना होता तो ये सब लिंक होता यहाँ भी तो ये फैल जाता, एक दूसरे से अलग ही नहीं होता. हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा 1 है 2 है 3 है 4 है. ओके, तो एक दूसरे से यानी कि एक सेल से दूसरे सेल को डिफर यानी कि अलग अलग करता है सेल मेम्ब्रेन और फैलने से रोकता है, यानी कि पर्टिकुलर शेप भी देता है सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. यानी कि ये जो मीडियम, ये तो एयर पे तो सेल नहीं रहता है, यानी कि जो ओपन एयर और जो ओपन सर्कमफेरेंस है हमारी उस पे तो सेल नहीं रहता है ना, हमारी बॉडी के अंदर यानी कि कोई लिविंग बीइंग्स है उसके अंदर रहता है सेल. तो सेल जब रहता है तो आउटर भी एक सराउंडिंग्स होता है, ठीक है, आउटर लेयर भी कुछ होता है. यानी कि सेल कहाँ है, मान लीजिए सेल इस वाले एरिया पे है, ये वाइट वाला एरिया, इस पे ये बहुत सारे सेल है. तो इस वाइट वाले एरिया पे जो भी सब्सटेंसेस है वो सेल पे मिक्स हो जाता अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता तो. यही कहा गया है कि सेल को डिवाइड कर रखता है फ्रॉम आउटर सरफेस एंड अनदर सेल, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन की रहने की वजह से. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, याद रखिए सेल मेम्ब्रेन की ही एक और नाम है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि क्वेश्चन पे अगर आपको पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ही एक है. सेल मेम्ब्रेन की ही अनादर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया. अब मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों है ये हमने देखा. तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है कि सेल के ऊपर जो लेयरिंग है, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं ना तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा हम लेयर ऐड करते हैं, तो वैसे ही सोच लीजिए कि इसके ऊपर एक लेयर है सेल के ऊपर, ठीक है. ये सेल की जो मतलब पार्ट है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसकी एक लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन. ओके, अब सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन अगर ना हो तो फिर क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग्स है, आउटर सराउंडिंग्स, वो सेल पे मिक्स ना हो जाए उसे देखता है सेल मेम्ब्रेन. और जो बहुत सारे सेल मिलके तो टिश्यू होता है ना, तो बहुत सारे सेल अगर एक जगह रहे और वहाँ पे अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो, कुछ भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ना हो, मेम्ब्रेन यानी कि लेयर, तो अगर लेयर ना हो तो एक दूसरे से डिफाइन तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना. जैसे कि ये तब होगा, ये रहा एक सराउंडिंग्स और उसके अंदर ये मतलब 1, 2, 3 सब एक ही, कुछ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन क्यों होना जरूरी है वो भी हमें समझ में आ गया. अब एक और चीज कहा गया है, क्या, सेल मेम्ब्रेन की अनादर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी होती है. अब क्या कहा गया है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेंटेंस है, इसे मार्क कर लीजिएगा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस,
यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसे अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये क्या होता है, ये पोरस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे मान लीजिए एक बार हम अगर जूम करें, इसे हम अगर जूम करें, ठीक है, इसे इसे अगर हम जूम करें तो हम देखेंगे ये है इनर इनर, ये है आउटर, और ये जो है ये पोरस है, पोरस। अब ये पोर की जरूरत क्यों है, ये पोर जो है इसकी जरूरत क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ये पोरस होता है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल्स होती है, इसके अंदर सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसे बाहर जाने को, मतलब अगर मान लीजिए बाहर से कुछ अंदर आया, ठीक है, तो उसे सेल के अंदर आने के लिए मान लीजिए ये कुछ दरवाजा है, पोर यानी कि दरवाजा मान लीजिए, तो उसी दरवाजे से यानी कि पोर से कुछ सब्सटेंसेस बाहर से अंदर आ सकते हैं और कुछ अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को होगा कि ये नेसेसरी क्यों है, यानी कि ये पोर नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हम तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जानते हैं कि इस वाले सेल से इस वाले सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए और मिक्स ना हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल सोच लीजिए, ठीक है। अब जो होल बॉडी होती है एनिमल की या प्लांट की, ठीक है, होल बॉडी होती है, तो होल बॉडी जो होती है उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल, ओके। अब सारी के सारी, एक प्लांट आप मान लीजिए प्लांट, ठीक है, अब प्लांट पे जो सारी की सारी बॉडी है वो तो सेल से बिल्डअप हो गया, ठीक है। अब उसे खाना प्रोड्यूस करना है यानी कि फोटोसिंथेसिस करना है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए वाटर चाहिए। मान लीजिए ये एक प्लांट है, क्या है, ये एक प्लांट है, ओके, ये हुआ इसका रूट्स। अब रूट्स के अंदर यानी कि इसके अंदर यहां भी सेल है, ठीक है, यहां भी सेल है, होल बॉडी पे सेल ही होगा क्योंकि सेल से ही तो फुल बॉडी बनता है ना, तो यहाँ पे सेल है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पोर की जरूरत क्यों है, ध्यान से सोचिए। अब आपने यहाँ पे H2O यानी कि वाटर ऐड किया, ठीक है। अब वो वाटर क्या होता है, वो वाटर क्या फंक्शन प्ले करता है, वो वाटर यहाँ से जाके यहाँ तक जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत तो है ना, तो वाटर तो सप्लाई होना भी जरूरत है। तो वाटर जब यहां से यहां जाएगी, इसकी मतलब ये है कि मान लीजिए ये सेल है, ऐसे ऐसे सेल करके ऊपर वो जा रहा है, तो वाटर अगर यहाँ पे जाए और सेल के अंदर ना जा पाए, ठीक है, या फिर कहीं भी ना जा पाए, तो क्या वाटर की मूवमेंट होगा, नहीं ना। इसीलिए कुछ चीज अंदर आएगी सेल की और सेल से इस सेल तक सप्लाई होगी, तभी ऐसे करके फ्लो बनेगी, चाहे वो फूड की हो या फिर वाटर की हो, ठीक है। यानी कि समझ में आ गया कि पोर की जरूरत क्यों होता है, ओके। तो इसी वजह से ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये होता है पोरस, ठीक है। अब पोरस होने से क्या होगा कि कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं और कुछ बाहर से अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप
बहुत ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉट एवरी सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस अंदर से बाहर, कुछ सब्सटेंसेस बाहर से अंदर, ऐसे फ्लो या फिर ऐसे मूवमेंट होता है। इसी वजह से ये जो मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, ये होता है पोरस। तो ये एक बार ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होते हैं और उसपे जो मटेरियल्स है, कुछ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब हम मूव करेंगे इसके बाद से, ये भी सेल मेंबर की ही पार्ट है, अभी सेल मेंबर की कंटिन्यू हो रहा है, तो हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करेंगे, जो हम एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे कि एक्टिविटीज पे क्या कहा गया है और उस एक्टिविटीज पे हमें क्या मिलेगा, यानी कि उस एक्टिविटीज से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो एक्टिविटीज में क्या कहा गया है? एक्टिविटी 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, मतलब सेल की जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो ऑब्जर्व करने के लिए। बेसिक कंपोनेंट्स क्या हमने सीखा? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी की सेल मेम्ब्रेन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? टेक एन ऑनियन बल्ब, एक ऑनियन बल्ब आपको लेने की जरूरत है, यानी कि ऑनियन, ठीक है? ऑनियन की जो ऑनियन जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बल्ब कहते हैं। तो यानी कि आप एक ऑनियन ले लीजिए, ठीक है? रिमूव द ड्राई पिंक कवर, यानी कि पील्स जो है उसे आप रिमूव कर लीजिए। यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड्स। आपने जो अनियन है वो अगर आप पील करो, यानी कि बाहर की आउटर जो लेयर होती है पिंक कलर की, उसे पील करके बाहर रख दीजिए, ठीक है? अब बल्ब की जो आउटर लेयर है यानी कि उसके बाद जो लेयर है उसे अगर आप उठा के देखो तो एक वाइट फ्लैशी सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसे आप हल्के से पील कर लीजिए, या तो हाथ से या तो फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स तो आप जानते ही होंगे एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो फोर्सेप्स यानी कि चिमटे लाइक इंस्ट्रूमेंट जो कि इतने से होते हैं, तो उसी फोर्सेप्स से या हाथ से उस जो फ्लेशी स्ट्रक्चर होती है उसे आप पील कर लीजिए, ठीक है? ये इजीली उठ जाएगा, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, इजीली आप देखते ही होंगे, शायद कभी ख्याल नहीं किया होगा, और अगर ख्याल किया है तो उस जो व्हाइट फ्लैश लेयर है तो किताब में कहा गया है कि उसे आप ले लीजिए, ठीक है? अब क्या? फ्लैशी व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड्स। यू कैन आल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, यानी कि ऑनियन अगर आप ब्रेक कर दोगे, यानी कि अगर आधा आप पीस कर दोगे, ठीक है, आधा पीस कर दिया और उसके बाद आप जब लेयर अपॉन लेयर ऑनियन को पील करोगे या फिर सेपरेट करोगे, तो उसके अंदर से भी आपको जो व्हाइट फ्लैशी जो लेयर है वो आपको देखने को मिलेगा। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल सेपरेट आउट थिन लेयर्स। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ water on a glass slide. यानी कि एक ग्लास स्लाइड ले लीजिए। ग्लास स्लाइड कहाँ? ग्लास स्लाइड भी हमें लेबोरेटरी में मिल जाएगी। ग्लास स्लाइड ऐसे छोटी सी स्लाइड होती है, उस ग्लास स्लाइड पे जो ऑनियन की पील है यानी कि जो व्हाइट फ्लैशी जो सब्सटेंसेस और जो लेयर है उसकी एक स्मॉल अमाउंट आपको देना होगा, ठीक है? अब क्या कहा गया है? इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, और लेने के बाद आप मान लीजिए ये एक स्लाइड है, इसकी जो सेंटर वाला पोजीशन है, सेंटर वाला पोजीशन पे
दीजिए और उसके बाद फॉर्म स्लिप दे दीजिए। तो ऐसे आपका रेडी हो गया स्लाइड प्रिपरेशन और ये रेडी हो गया माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। ठीक है, यही कहा गया है। द थिन लेयर कैन बी कट आउट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप्स से या ब्लेड से स्मॉल पीस करने को कहा गया है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, अभी कलर करने को कहा गया है। कलर हम क्यों करते हैं, यानी कि स्लाइड की जो मटेरियल्स है उसे हम कलर क्यों करते हैं, ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर इसकी जो प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने कहा था कि अगर हम कलर करें तो और बेटर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर सिर्फ वाटर देखे माइक्रोस्कोप पे देखो तो ये नहीं कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा मगर वो ट्रांसपेरेंट सा होगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली विजिबल और फिर डार्क कलर की नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए हम मिथिलीन ब्लू दे रहे हैं। ये एक ब्लूइश सॉल्यूशन है और इसकी जो मतलब कलर होगा वो ब्लू होगा। ठीक है, टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। कवर स्लिप अप्लाई करने के बाद ये आपकी पूरी स्लाइड रेडी हो गया माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। ओके, अब क्या कहा गया है, व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। कवर स्लिप प्लेस करने के टाइम आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पे बबल फॉर्म ना हो, यानी कि आपको बहुत ध्यान से कवर स्लिप अप्लाई करने की जरूरत होती है। ये बहुत ही अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि ये आप जब बड़े होके कवर स्लिप अप्लाई करोगे स्लाइड पे तो भी ये बहुत मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए हम देखते हैं क्या ऐसे गोल करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे, बाकी ये तो बैक हो गया। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये वाला व्यू हमें दिखेगा। अगर बबल रह जाए ना तो फिर जो हमें दिखेगा उसके ऊपर ऐसे बबल की जो ब्लैक ब्लैक हमें दिखेगा, ब्लैक ब्लैक राउंड राउंड स्ट्रक्चर, तो हमें कंफ्यूजन होगा कि ये सिल्क एक पार्ट है या फिर ये बबल है। तो उससे फायदा ये है, मतलब इससे अच्छा ये है कि बबल को पूरा रिमूव किया जाए तभी एक परफेक्ट स्लाइड बनता है। ठीक है, व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अभी माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, ड्रॉ एंड लेवल। ठीक है, अभी माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा, देखिए ये रहा एक माइक्रोस्कोप, इसके अंदर जो व्यू होगा उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो ये ऑनियन सेल हमने ले लिया, ठीक है, अब कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है यानी माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर वाला जो पार्ट, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, पूरी माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा हमारा न्यूक्लियस, ईच सेल एक न्यूक्लियस। ओके, ऐसे ये हमें देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस जो है ये तो गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा क्योंकि मिथिलीन ब्लू से हमने स्टेन किया है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑनियन पील लेके अगर हम देखें। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने यही देखा कि बहुत सारी सेल है, लेयर अपॉन लेयर है, बहुत सारी सेल, और सेल एक दूसरे से डिवाइड है, यानी कि हम अगर इस वाले सेल को लिया तो ये सेल, ये जो नेबरिंग सेल है उससे अलग है सेल मेम्ब्रेन के वजह से। ठीक है,
और उसके अंदर है एक न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर जो एकदम मिडिल पोर्शन पे या फिर मिडिल नहीं उसके अंदर जो गाढ़ा पार्ट होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और वो हमें क्लियरली विजिबल दिखेगा। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अभी एक और टर्म आ गया। अभी हम लोग ने सिर्फ जाना कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब एक और टर्म आ गया, क्या? सेल वॉल। ठीक है, अब एक बात नोट कर लीजिए, ये ऑनियन पिल हम देख रहे हैं, तो ऑनियन जो है वो प्लांट है या एनिमल है? ऑनियन जो है वो है हमारा प्लांट। तो जब हम प्लांट सेल स्टडी करेंगे तब प्लांट सेल के अंदर हम एक एक्स्ट्रा लेयरिंग देखेंगे, एक्स्ट्रा लेयरिंग या फिर एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग और या फिर एक्स्ट्रा लेयरिंग, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेल वॉल, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पे ही रहता है। तो फिर हम अगर माइक्रोस्कोप पे देखें तो फिर ये नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन अलग रहता है और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके अंदर सेल वॉल जो है वो अलग है, ऐसा नहीं होता है। हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा ही जो हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम जानेंगे ये कि प्लांट के अंदर यानी कि एनिमल और प्लांट दो पार्ट्स में डिवाइड अगर हो, तो एनिमल सेल को अगर हम छोड़ दें, प्लांट सेल को देखें, तो प्लांट सेल पे हम एक एक्स्ट्रा कवरिंग देखते हैं। ठीक है, उस एक्स्ट्रा कवरिंग की नाम है सेल वॉल। ओके, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है, सेल वॉल क्यों होता है? ठीक है, अब बताइए सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, एकदम बेसिक तरह सोचिए। ठीक है, एक तो हो गया कि जो आउटर सरफेस है और फिर आउटर सब्सटेंसेस है उससे अलग रखने के लिए सेल को, ताकि मिक्स ना हो जाए, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। और एक फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की और एक फंक्शन है फंक्शन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया डिफरेंशिएट फ्रॉम, नहीं ये हम नंबर टू पे लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट फ्रॉम आउटर सरफेस। ओके, आउटर सरफेस। और क्या फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन अब प्रोटेक्शन क्यों, एक बात तो ध्यान से आप लोग सोच लीजिए या फिर जान लीजिए, जब भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है यानी किसी भी चीज की जब ये मेम्ब्रेन या फिर जो कवरिंग ये अगर हो जाए, तो कवरिंग की फर्स्ट फंक्शन ये है कि उसे उसकी जो लेयर है उस लेयर की फंक्शन है प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन क्यों, अगर लेयर ना हो, ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो, तो सेल मेम्ब्रेन अगर ना होता है तो साइटोप्लाज्म और फिर जो मेन पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस, वो उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यानी कि उसे कोई घेरने वाला भी नहीं है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी कि उसके एक गार्ड की जरूरत है, वही गार्ड होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमारी तरह से सोचिए, हम अगर कुछ कीमती चीज मान लीजिए खरीदे, ठीक है, तो उस कीमती चीज को हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो फिर उसे हम लॉकर पे रख देंगे। ठीक है, यानी कि एक कवरिंग के अंदर। सेम उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के काम करता है, यानी कि जो भी सेल हुआ उस सेल को आउटर जो डिस्ट्रॉय और जो डिस्टर्बेंस है
उससे रोकने के लिए या उससे बचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत मतलब एक जो बहुत अच्छे फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन आप ले लो, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी ही फर्स्ट फंक्शन उसका होगा प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो एक है कैरेक्टर है, वो फंक्शन नहीं है सेल मेम्ब्रेन की, वो तो हम जान चुके हैं, पोरस, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो हो गया ना, एक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग। अब आप मान लीजिए आपने बहुत कीमती कुछ खरीदा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कीमती कुछ खरीदा, तो जब हम हमारी जो प्रिय जो वस्तु यानी कि बहुत हम एडोर करते हैं जिस चीज को, उसे हम सेफली कुछ जगह पे यानी किसी कवरिंग के अंदर रखते हैं। अगर बहुत कीमती चीज हो तो फिर उस कवरिंग को हम एक और लॉकर पे रख देते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो फिर सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन तो सेल मेम्ब्रेन देता ही है, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सेल वॉल फंक्शन होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यानी कि जो इस वाले जो सब्सटेंसेस है यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होती है, उसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमारा होता है सेल वॉल। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है प्लांट सेल पे, एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, एनिमल सेल पे नहीं होता है। अब आप कहोगे कि एनिमल सेल पे क्या प्रोटेक्शन की कुछ जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, पर स्लाइटली डिफरेंट है, वो हम आगे जानेंगे, ठीक है, अभी जानेंगे कि क्यों है और क्यों एनिमल पे नहीं है, ठीक है। ये बात आप क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, दोनों ही कवरिंग है, प्लांट के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल पे नहीं होता, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, इस वाली पूरे जो हमने पढ़ाया इसे एक बार आप देख लीजिए। ओके, देख लिया आपने, वेरी गुड। अब ये रहने देते हैं, ये ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि लिखा क्या हुआ है। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called nucleus. It is called nucleus. The jelly-like substances between the nucleus, the jelly-like substances, यहाँ पे जो substances रहता है इसे हम कहते हैं cytoplasm. ठीक है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, तो ये जेली लाइक जो सब्सटेंसेस होता है जो कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच पे रहता है, इसे हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। अब पोजो जो है आपकी किताब पे, उसकी भी सेम क्वेश्चन है कि ये सेल वॉल यानी कि प्लांट पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होता है, क्या एनिमल पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होता है, यही हम जानेंगे अभी। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हो तो ही शेप होता है, ठीक है ना, यानी कि अगर ना हो तो वो फैल जाएगा, जो मटेरियल है जेली लाइक सब्सटेंसेस या फिर जो न्यूक्लियस, वो तो सब सारे के सारे फैल जाएगा ना, अगर मेम्ब्रेन ना हो तो प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन आपका हो गया कि प्रोवाइडिंग शेप, प्रोटेक्शन, आउटर सरफेस से डिफरेंशिएट करना और प्रोवाइडिंग शेप, ठीक है। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स
shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. ये बहुत important है. In cells of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. ठीक है? अब प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि सेल वॉल क्यों चाहिए? एनिमल सेल पे तो सेल वॉल नहीं होता है. वो कहा गया है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा. अब ये क्या है, मान लीजिए चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी आप लोगों को एनिमल सेल के बारे में हम बात पहले कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर एनिमल के बारे में हम बात करें, मान लीजिए आपको बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया, या फिर बहुत ठंड लग रही है यानी कि टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो गया, तब आप क्या करोगे? अगर गर्मी बहुत लगे तो आप क्या करोगे, तो आप फैन ऑन कर लोगे या फिर एसी, जो भी हो आप जाके स्विच ऑन कर दोगे, फैन घूमने लगेगा, ओके, टेम्परेचर आप गर्मी में सर्वाइव कर जाओगे. ठीक है, अब अगर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कंबल ओढ़ लेते हैं या फिर चद्दर ओढ़ लेते हैं. ठीक है, तो हम मूव कर पा रहे हैं, हमने चद्दर लिया, ओढ़ लिया, ठीक है, खुद ही, किसी, हम ऐसे तो नहीं है कि हम एक जगह बैठे हैं, कोई दूसरा आया, हमें हम बता भी नहीं सकते, ऐसे तो नहीं होता है. जैसे फील हम करते हैं उस अकॉर्डिंग से हम काम भी कर लेते हैं. ठीक है, टेम्परेचर हो गया. अब हाई विंड स्पीड, अगर घर के बाहर बहुत जोर से विंड फ्लो हो रही है, यानी कि मान लीजिए थंडरस्टॉर्म है या फिर साइक्लोन है, तो आप क्या करोगे, बाहर ही बैठे रहोगे? नहीं ना, तो आप घर के अंदर आ जाओगे, आप मूव करोगे, मूव करके घर के अंदर आप आ जाओगे. ठीक है, यानी कि आप खुद से सक्षम है अपनी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, और एक क्या कहा गया है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अगर बहुत ज्यादा है, यानी कि तब आप जो स्वेट है आपकी, तब सूख नहीं रहे हैं, तब आप गए फैन ऑन कर दिए या फिर गए आप एसी ऑन कर लीजिए, ये फिर ये सारा काम आप खुद जाके, खुद चल के ये आप कर सकते हो. ठीक है, आप खुद जाते हो, खुद की प्रोटेक्शन करते हो, ये सब आप कर लेते हो. अब आप प्लांट के बारे में सोच लीजिए, प्लांट तो हुआ बेचारा, ना बोल सकता है या फिर ना चल सकता है. ठीक है, तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा कहाँ, उसी हाई टेम्परेचर पे, उसी लो टेम्परेचर पे, वही थंडरस्टॉर्म पे, वही साइक्लोन पे. ठीक है, और फिर वही एक्सट्रीम मॉइस्चर कंडीशन पे वो ना मूव कर पाएगा, ना उसको मतलब कोई, ऐसा तो नहीं है कि आप जो मतलब जो आप प्लांट लगाते हो आपकी खिड़की पे या फिर जो भी आप डेकोरेशन पर्पस पे लगाते हो, मान लीजिए साइक्लोन आया या फिर थंडरस्टॉर्म आया, आप कहोगे कि हम तो उस प्लांट को घर के अंदर रख लेते हैं ताकि वो प्लांट टूटे ना. आप कितनी प्लांट को कर पाओगे? ठीक है, वो तो सिर्फ आपकी खिड़की पे दो चार रखा हुआ है, वो सारा हो गया. ठीक है, पर प्लांट की नेचर तो यही है ना, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसे कौन बचाएगा? वो तो खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करेगा ना. इसीलिए हम खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं मूव करके, उस जगह को अवॉइड करके. वो मूव नहीं कर सकता, यानी कि वही एडवर्स सिचुएशन पे उसे रहना होगा और उसे सरवाइव करना पड़ेगा. इसीलिए उसकी जो सेल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और उसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की काम करते हैं सेल वॉल. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों नहीं, हमारे अंदर सेल वॉल क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं होता है, क्यों एक्स्ट्रा कुछ रहे. याद रखिएगा, कुछ भी लिविंग बींग की बॉडी के अंदर, कुछ भी अगर जरूरत ना हो
तो वो नहीं रहता है, अगर जरूरत हो तो वो रहता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जरूरत नहीं है सेल वॉल की, इसीलिए हमारी जो सेल है यानी कि एनिमल जो सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। प्लांट के अंदर जरूरत है सेल वॉल की, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, इसीलिए प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है। तो क्लियर हो गया, आज के बाद ये गलती कभी मत करना कि एनिमल सेल पे सेल वॉल लिख देना। ठीक है, ये गलती कभी मत कीजिएगा। अब एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा कि एक किताब होता है, जब भी ये स्ट्रक्चर शुरू होता है तो हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो हमने किया था ऐसे गोल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, यहीं पे एक और लेयरिंग होती है सेल वॉल की, और यहाँ पे जो पार्टिकल होती है वो ऑर्गेनेली होके सारी के सारी लेवलिंग जो होता है वो एक ही सेल पे हो जाता है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किताब में तो ड्रॉ किया हुआ है, कुछ कुछ किताब में या फिर सारी किताब में, कि ये सारी पोर्शन तो होता है सेल पे। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता दूं कि ये हम एज्यूम कर लेते हैं, किताब पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक आइडियल सेल है। नीचे लिखा हुआ रहता है आइडियल सेल, यानी कि ना एनिमल ना प्लांट पूरा पूरा नहीं है, इसे हम आइडियल सेल मान के सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो समझाने के लिए सारे के सारे पार्ट होती है। मगर सिर्फ एनिमल सेल जब हम ड्रॉ करेंगे, जब आपको ड्रॉ करने को कहा जाएगा, तब आप अगर एनिमल सेल ड्रॉ करोगे तब ध्यान पे रखना कि सेल वॉल लेबलिंग कभी मत करना, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल पे नहीं होता है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्कैंशिया, लियोडिया और रियो। अब ये रियो जो है, रियो आपको बाहर देखने को इजीली मिल जाएगा, एक बैंगनी कलर के प्लांट होते हैं। आपको मतलब कोई भी ऑर्नामेंटल जो प्लांट लगाते हैं उस पे भी देखने को मिल जाएगा, बैंगनी कलर के होते हैं। ठीक है, प्योर और ऐसे करके होता है, यानी कि ऐसे ऐसे उसका होता है लीफ, ये लीफी प्लांट है, ऐसे लीफ होता है, और जब फ्लावरिंग हो तो इसके अंदर से एक छोटा सा फ्लावरिंग होता है, ज़्यादा सर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलता है। जो ज़मीन में से ही बैंगनी कलर की एक हमें देखने को मिलता है वो होती है हमारा रियो, और रियो की पील भी हम जो माइक्रोस्कोप के अंदर है उसे हम देख सकते हैं, और फिर ऑनियन कोई भी एक हम देख सकते हैं इजीली, ये इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ ऑनियन, मतलब ऑनियन की तरह ही रियो की स्लाइड भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कहा गया है पहेली आस्क बोजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर हमने तो देख लिया कि अनियन पील करके हमने देख लिया कि अनियन सेल होता है, यानी कि प्लांट सेल होता है। अब रॉबर्ट हुक जो है वो भी एक प्लांट सेल से ही एक्सपेरिमेंट किया था, और प्लांट सेल से ही सेल का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ। तो अब पहली बोझो को पूछ रही है कि क्या हम एनिमल सेल भी माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं देखने के लिए, तो आंसर होगा हाँ, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कैसे बताती हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा देखने के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, एक टूथपिक लेना होगा। ठीक है, या फिर मैच स्टिक, जिसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी बारूद वाला पोर्शन वो टूटा होना चाहिए, क्योंकि बारूद अंदर नहीं जाना चाहिए, तो सेफ है ये कि टूथपिक से ही किया जाए। तो टूथपिक हम लेंगे, टूथपिक लेके जो हमारी जो ये लिप्स है, लिप्स के अंदर वाली पोर्शन पे हम ऐसे जस्ट रब करेंगे। ठीक है, रब करके उसे स्लाइड के अंदर
ठीक मिडिल पोर्शन पे पानी देके उसे हम ऐसे पानी में मिला देंगे। आप देख नहीं पाओगे शायद, क्योंकि वो डेड सेल है और दिखाई शायद नहीं दे, ठीक है, मगर आप जब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हो, या फिर हमारी होठों से, जब होठ फटे हुए रहे तो होठों से जो हम मतलब हमारी कुछ कुछ लोगों के आदत होते हैं ना कि हम उड़ा फाड़ देते हैं, मतलब जो स्किन होता है उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं हमारी होठ से, तो वो भी एक डेड सेल ही होता है। तो उसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, या फिर यहाँ से लेके भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ही एक डेड सेल होती है और हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आप अपने अगर कलर किया तो मिथिलिन ब्लू से आप कलर कर लीजिए क्या पानी के अंदर, और वही जो सेंटर पोजीशन पे आपने डाला था वो डेड सेल को, वो कॉपर स्लिप अप्लाई कर देना और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देख लेना है, ठीक है। तो क्लियर आप देख पाओगे सेल, और वो सेल है एनिमल सेल, क्योंकि आप प्लांट तो नहीं हो, आप हो एनिमल, तो आपके जो डेड सेल होगा या फिर कोई भी सेल होगा वो तो होगा एनिमल सेल। तो हमने क्या सीखा, हमने पूरी आज जो सीखा वो हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होती है सेल के ऊपर उसके बारे में हमने सीखा। तो एक बार ड्रॉट डाउन कर लेते हैं क्या सीखा। हमने देखा कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब एक बात, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल सेल पे भी होता है या प्लांट सेल पे भी होता है, क्लियर। अब देखिए, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है और सेल मेम्ब्रेन किसे अंदर किसे किसे इनक्लोज करके रखता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इसे इनक्लोज करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन की फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन, वो जो सेल होता है उसे प्रोटेक्ट करता है और प्रोवाइडिंग शेप, और वो सेल मेम्ब्रेन रहता है तो ही जो सेल होता है उस पे शेप होता है, और एक क्या डिफरेंशिएट फ्रॉम आउटर सर्फेस, आउटर जो सर्फेस होती है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। और ये सेल मेम्ब्रेन किसके किसके अंदर होता है, एनिमल सेल पे भी और प्लांट सेल पे भी, ओके। अब हमने एक प्लांट सेल देखने की कोशिश किया, कहां से या फिर किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये एक्टिविटी, हम अनियन पिल ले सकते हैं या फिर रियो इजीली अवेलेबल है वो भी हम ले सकते हैं। तो ऑनियन पिल लेके हमने क्या देखा, अनियन पिल लेके हमने ये वाला स्ट्रक्चर देख लिया, क्लियरली विजिबल के यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो कि डेंस न्यूक्लियस, और जो जेली लाइक और जेल लाइक सब्सटेंसेस है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, वो है न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर। अब प्लांट पे एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है, ओके क्लियर, ओके। अब ये सेल वॉल की फंक्शन क्या है, सेल वॉल की फंक्शन है फॉर प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा कवरिंग, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन उसकी फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, क्यों हमारे अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्यों प्लांट के अंदर है, तो फिर आंसर होगा कि प्लांट कैन नॉट मूव। तो अगर वो मूव ना कर पाए तो एडवर्स सिचुएशन लाइक टेम्परेचर अप एंड डाउन, हाई मॉइस्चर, या फिर साइक्लोन थंडरस्टॉर्म, या फिर जो भी कुछ हो, ऐसे एडवर्स सिचुएशन पे सर्वाइव करने के लिए उसके सेल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए उनके अंदर यानी प्लांट के अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके नाम है सेल वॉल, ओके। अगर हम एनिमल सेल भी देख पाएगी क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ एनिमल सेल भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं इजीली, हम एक्टिविटीज के दौरान देख सकते हैं। एक्टिविटीज क्या है, एक टूथपिक हम लेके, टूथपिक लेके ये जो होठ है उस पे रब करेगी, या फिर होठ के अंदर जो पार्ट होती है ये वाला उसके अंदर रब करके जो भी हमें मिलेगा वो हम
कवर स्लिप अप्लाई करके स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें एनिमल सेल भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये कवरिंग स्ट्रक्चर तो पूरा कर लिया। अब हम जो सेल की बाकी पार्ट है या फिर बाकी अनादर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।